ब्यावर भारतीय ऑटो रिक्शा यूनियन ने रोडवेज बस स्टैंड के सामने अवैध रूप से ऑटो रिक्शा संचालन से होने वाली परेशानियों को देखते हुए इस पर अंकुश लगाने की मांग की है। इस बाबत यूनियन पदाधिकारियों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह के नाम में ज्ञापन दिया। एसडीएम सिंह के नाम दिए गए ज्ञापन में यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि रोडवेज बस स्टैंड पर ऑटो रिक्शा का संचालन यूनियन के माध्यम से नियम अनुसार किया जा रहा है, लेकिन दिन भर अन्य ऑटो चालक अपने ऑटो रोडवेज बस स्टैंड के बाहर बेतरतीब तरीके से खड़े कर देते हैं, जिसके कारण रास्ता भी अवरुद्ध हो जाता है और यातायात व्यवस्था भी बाधित होती है। कई बार यहाँ से बसों के गुजरने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन ने बताया कि बेतरतीब ढंग से ऑटो खड़े होने के कारण पूर्व में यहाँ पर हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें एक महिला की जान भी चली गई थी। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से नो पार्किंग का बोर्ड भी लगाया हुआ है, लेकिन इसकी भी पालना नहीं हो रही है। ज्ञापन में इस प्रकार के अवैध संचालन पर अंकुश लगाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष रमजान खान, ऑटो चालक अशोक कुमार, मंगला राम, मोहसिन खान, उमेश सिंह, मोहम्मद रमजान, कैलाश रोहित, माल सिंह तथा दिलीप कुमार आदि शामिल थे। हमने ज्ञापन देकर अवगत कराया गया है कि ऑटो रिक्शा यूनियन बस स्टैंड की तरफ से कि जो आगे जो ऑटो चलते हैं अवैध रूप से, वो ट्रैफिक व्यवस्था खराब करते हैं, जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था खराब होती है, साथ में दुर्घटना होने का भी चांस ज्यादा रहता है। हमारे यूनियन के सभी के ऑटो को लोगो लगा रखे हैं, इससे ट्रैफिक व्यवस्था नहीं बिगड़ती है और हम लाइन बाय लाइन चलते हैं। माननीय उपखंड अध्यक्ष से निवेदन है कि इस पर सख्त कार्रवाई करें।